ठग लोग हैं। अब मोदी जी का एक सबसे बड़ा एक एजेंडा है, क्या कहता है, मैं तो दलित हूं, अपने आप को नीच भी बता रहा है, अपने आप को दलित भी कह रहा है, अपने आप को बैकवर्ड भी कह रहा है। ये सब हमें ठगने की कहानी है। टेलीविजन कहते हैं कि टेलीविजन पल पल नई खबर देता है, ये भारतवर्ष में सिद्ध नहीं होता। भारतवर्ष में क्या होता है कि भारतवर्ष का टेलीविजन पल पल समाचारों की हत्या करता है, झूठ को परोसता है, सत्य के साथ अनर्थ करता है, उसका बलात्कार करता है। तो इस देश में जो कुछ चल रहा है ये देश हित में नहीं है, और ये देश हित का काम कोई कर भी नहीं रहे हैं, प्रचार करते हैं। प्रचार जब समझो ना कि मोदी जी कह रहे हैं कि अब विकास आया, तो समझ लो अब कोई दुर्घटना घटने वाली है। तो इस तरीके का उनका एक चरित्र बन गया है, उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर जितनी समस्याएं सब बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगारों के चांसेस खत्म हो गए हैं, और इसने जब सरकारी नौकरियां नहीं है तो पहले तो इन्होंने ठगा बैकवर्ड्स को, शेड्यूल कास्ट को, अब ये हिंदुओं को ठग रहे हैं, उनको 10% जो इन्होंने रिजर्वेशन दिया है, यद्यपि वो असंवैधानिक है। ये लोग आए हैं संविधान को धता बताने के लिए, जितने काम है इनके सारे असंवैधानिक है। तो ये काम जो दुनिया में कहीं ना होता हो इनसे करा लो। तो ये जो अब आज हम देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में जितना काम इस देश में चल रहा है, नौकरियां खत्म है, ना हिंदुओं के लिए नौकरी सरकारी रही है, ना बैकवर्ड्स के लिए रही है, ना शेड्यूल कास्ट के लिए रही है, मगर उन नौकरियों के नाम पर राजनीति से बात नहीं आएंगे, उनको ठगेंगे। ठगने का मतलब क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिजर्वेशन मिल गया तो हमें नौकरी मिल गई। तो भाइयों, इनके षड्यंत्रों से तैयार आपको सावधान रहना है। हमारे यहाँ दूसरी दिक्कत है, दलितों में एक नई समस्या पैदा की इन्हीं लोगों ने की, और हमारे ही नेताओं के माध्यम से की। नेता कौन, जो अपनी समाज के कभी भी हो नहीं सकते, बिकाऊ हैं और टिकाऊ है नहीं, वो छोटी छोटी कीमत पर बिक जाते हैं, और अपने आकाओं के कहने पर समाज का अधिकारों का हनन करने के लिए सबसे आगे आते हैं। अभी देखिएगा महादलित का एक मुद्दा है, क्या मुद्दा है, उन्होंने कुछ जातियों को कहा कि भाई तुम्हारे हक तो ये जातियां खा गईं, तुम तो बहुत पिछड़ गए, हम तुम्हारे लिए आरक्षण अलग करते हैं। किसी ने नहीं मांगा, कोई मांग नहीं, किसी की मांग नहीं। कुछ जातियों को कैटेगरी ए और कैटेगरी बी बना दी, बिहार में दलित और महादलित बना दिया। हम दलित और महादलित दो शब्द लेंगे तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। दलित वो है जो ज्यादा नौकरियों में है, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, जिनके पास अपने मकान है, वो एक कैटेगरी में है। बी कैटेगरी में वो है जो मोस्ट डिप्राइव्ड है, बहुत वंचित है, जिनके पास कुछ नहीं है। उनको कहा गया अब हम तुम्हारा आरक्षण अलग कर देंगे, उनको लगा अरे तेरा आरक्षण अलग हो जाएगा तो वो जो ब्रह्मदत्त रहता है ना कोने पे हमारे समाज का फला जाति का, अब मेरा बेटा भी वैसे ही सूट बूट वाला बनेगा, बड़े पद पे बैठेगा, दुनिया वाले उसको सलाम मारेंगे। तुरंत उसको ये आता है, कहता हाँ करो, महादलित का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मगर हो क्या रहा है। ये मैं महादलित जो मेरे संपर्क में बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, आपका आंध्र प्रदेश में, वो समझ गए हैं ये बहुत बड़ा धोखा है। बेचारे मरे मराए व्यक्ति के पेट पे लात मारने वाली बात है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसके पास कोई पद नहीं है, और तुम इस तरीके से कह के तुम आरक्षण को बांट रहे हो, और जो उनको मिलता, उनको अगर कुछ मिलता भी तुमने उनको देने से बंद कर दिया, और इनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो मोस्ट डिप्राइव्ड लोग हैं इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास अपने कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा का कोई तंत्र नहीं है। और जब तुम्हारे पास शिक्षा नहीं, तुम्हारे पास काबिलियत नहीं, सामर्थ्य नहीं, पौरुष नहीं, तो तुम कहां से नौकरियां प्राप्त कर लोगे। उनकी नौकरी उनको इसलिए नहीं मिलेगी कि उनके पास काबिलियत नहीं है, और जिनके पास काबिलियत है उनको इसलिए नहीं मिलेगी, उनको बहका दिया दूसरे लोगों को, इनकी सारी नौकरी ये खा रहे हैं। अगर उन मोस्ट डिप्राइव्ड लोगों का, महादलितों का अगर भला करना है तो भाई नौकरी दो या ना दो, इनके लिए स्कूल खोलो, इनके लिए कॉलेज खोलो, इनके लिए रोजगार के काम शुरू करो तो बात बनेगी। मगर ये तो ठग लोग है ना, ये ठग लोग हैं। अब मोदी जी का एक सबसे बड़ा एक एजेंडा है, क्या कहता, मैं तो दलित हूं, अपने आप को नीच भी बता रहा है,
अपने आप को दलित भी कह रहा है, अपने आप को बैकवर्ड भी कह रहा है। ये सब हमें ठगने की कहानी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।